अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, एक बहन ने कमेंट करके पूछा है, मैं पिछले एक हफ्ते से बैठकर नमाज पढ़ रही हूँ। मैं पहले आराम से खड़ी होकर नमाज पढ़ती थी, लेकिन घुटनों में दर्द के कारण डॉक्टर की सलाह पर बैठकर नमाज पढ़ रही हूँ। मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैं कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ूँ। क्या इस नमाज का सवाब मुझे मिलेगा या नहीं? अगर नहीं तो मैं क्या करूं? रहनुमाई फरमाई। यही सवाल किसी और मुस्लिम भाई बहन किसी का भी हो सकता है। इस कंडीशन को जानने से पहले, अगर आप हमारी YouTube चैनल हिंद इस्लामिक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप भी इस्लामिक नॉलेज हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, बहन को बैठकर नमाज पढ़ने का भी वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर नमाज पढ़ने में मिलता है, क्योंकि परेशानी है, घुटनों में दर्द है, फिर भी आप नमाज नहीं छोड़ रही हैं। अल्लाह को यही तो पसंद है, बंदा परेशान है, बीमार है, प्रॉब्लम्स है, फिर भी नमाज नहीं छोड़ी। तो बीमारी में अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को याद करना, बीमार हैं फिर भी अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो ये बीमारी आपके लिए रहमत है। कहते हैं बीमारी रहमत भी है और बीमारी जहमत भी है। तो कौन सी बीमारी अजाब होती है? वो बीमारी जिससे आप अल्लाह से दूर हो जाएं, वो बीमारी आपके लिए अजाब होती है। अल्लाह से दूर हो जाना, नमाज छोड़ देना, तस्बीह छोड़ देना, रोज़े छोड़ देना, कुरान की तिलावत करना छोड़ देना, अल्लाह की इबादत करना छोड़ देना, ये ऐसी बीमारियां हैं जिससे आपको अजाब मिलता है। अजाब देने वाली बीमारियां कहलाती हैं। और जिस बीमारी में बंदे की इबादत बढ़ जाए, अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ जाए, नमाज बढ़ जाए, रोज़े बढ़ जाए, तो ये बीमारी बंदे के लिए रहमत वाली बीमारी होती है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को हक पर चलने की तौफीक अता करें और हर बीमारी को शिफायाब करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख जाना, क्या पता किस भाई की जुबान से निकला आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाए और उसके सदके तमाम मुसलमानों की मगफिरत हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।